चंदोसी और सपा जिला अध्यक्ष के बीच का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। सपा जिला अध्यक्ष पर दर्ज मुकदमे के खिलाफ सपाइयों ने सड़क पर उतरकर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, चंदोसी कोतवाली में बच्चे की मौत की शिकायत लेकर पहुंचे जिला अध्यक्ष फिरोज खान ने ईओ से बदतमीजी की थी, जिसके बाद ईओ ने सपा जिला अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नगर अध्यक्ष चौधरी नदीम एडवोकेट के नेतृत्व में सपा कार्यालय पक्का बाग सराय तरीन में जमा हुए। सपाइयों ने सड़क पर टायर जलाकर ईओ, नगर पालिका चंदोसी, संभल पुलिस व योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सपाइयों ने इसके बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचकर प्रतिमा के समक्ष अपना दर्द रखा। सपाइयों ने कहा कि एक मासूम बच्चे अलबख्श की नाले में डूबने से मौत की शिकायत करने वे चंदोसी कोतवाली गए थे। इस मामले से ईओ, जेई व एसडीएम बाखूबी वाकिफ थे। ईओ व जेई के खिलाफ बच्चे की मौत होने पर तो मुकदमा नहीं लिखा गया और उल्टा सपा जिला अध्यक्ष फिरोज खान के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। सपाइयों ने चेतावनी दी कि अगर पीड़ित मासूम बच्चे के परिजनों को सहायता नहीं मिली, दोषियों पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, तो आंदोलन को जारी रखेंगे। जिला अध्यक्ष पर दर्ज मुकदमा समाप्त किया जाना चाहिए। ये जो आज रोड पर आपने टायर फूंककर विरोध किया है, क्या मामला था? हमने रोड पर जो विरोध प्रदर्शन किया टायर जलाकर और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर खड़े होकर हमने जो FIR पढ़ी वो इसलिए पढ़ी कि बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान निर्माता हैं, जो हिंदुस्तान को एक इतना अच्छा संविधान देकर गए, जो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा संविधान माना जाता है, उस प्रतिमा पर हमने इसलिए प्रदर्शन किया क्या हिंदुस्तान में जो कानून तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो कानून के मानने वाले हैं, जो लीगल वे में प्रोसेस एडेप्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिका चंदोसी की लापरवाही से जो बच्चा मरा, तो नगर पालिका के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और जो लोग उस बच्चे की सहायता चाहते हैं, उसका मदद करना चाहते हैं, उनके खिलाफ जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में रिपोर्ट लिखी गई। हम उसके प्रदर्शन करने के लिए, उसके विरोध करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे और हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि ईओ नगरपालिका पूरी तौर पर जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर आपके इस प्रदर्शन के बाद भी मांग पूरी नहीं, तो क्या क्या रणनीति आपकी पार्टी की? उसके पहले हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई पूरी लड़ेंगे, उसके बाद चाहे सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे समाजवादी के लोगों को जाम लगाना पड़े, हम पूरी लड़ाई लड़ने के तैयार हैं। समाजवादी संघर्षशील लोगों की पार्टी है, लोहिया जी के पत्थरों पर चलने की पार्टी।